हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एमजे। अभी बहुत ही शोर मच रहा है पीछे, क्योंकि पीछे कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, तो इसीलिए आपको मशीन की आवाज़ आती होगी, लेकिन कोई बात नहीं, हमें अपना काम करते रहना है। तो आज की वीडियो एक ऐसे पेस्टिसाइड के ऊपर है फ्रेंड्स, जिसने मेरे हाइबिस्कस की कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क ला दी है। तो जैसे कि मेरे हाइबिस्कस की कंडीशन धीरे धीरे बहुत ही ख़राब हो रही थी, ऑलमोस्ट जितने भी हाइबिस्कस के पौधे हैं फ्रेंड्स मेरे पास, वो सारे पौधे इन्फेक्टेड हो रहे थे, यानी कि उसके लीव्स धीरे धीरे करके कर्ल हो रहे थे कुछ ये हिसाब से। ये देखिए, अभी भी इसके कुछ जो पुराने लीव्स हैं वो कर्ल हो रहे हैं, जबकि जो नए लीव्स हैं वो अभी अच्छी खासी कंडीशन में निकल रहे हैं। और ये जो पौधा है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड पौधा था, और इसके ऊपर बहुत सारे फ्लावरिंग बर्ड्स भी निकल रहे थे, लेकिन सारे फ्लावरिंग बर्ड्स कुछ ये हिसाब से कर्ल हो रहे थे, और इसके लीव्स भी कर्ल हो रहे थे। साथ में इसके ऊपर ढेर सारे मेलीबग्स लगे हुए थे, और वही एक बहुत ही बड़ा रीज़न था कि मेरे प्लांट की कंडीशन अच्छी नहीं रहती थी। मेलीबग्स क्या करते थे, अपनी जो क्वांटिटी थी वो हमारे प्लांट्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा उसने मल्टीप्लाई कर ली थी, और धीरे धीरे हमारे लीव्स को डैमेज करते रहते थे। लीव्स के अंदर का जो रस रहता है वो रस चूसते रहते थे, जिसकी वजह से हमारे लीव्स, जो भी नए निकलने वाले लीव्स होते थे और ऑलरेडी जो पुराने लीव्स होते थे, वो सारे लीव्स को वो कर्ल कर देता था, धीरे धीरे प्लांट को ड्राई कर लेता था। तो ये एक दिक्कत मेरे हाइबिस्कस के ऊपर आती थी। तो उसके लिए सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने रोगर पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन किया, क्योंकि जब पेस्ट मुझे ज़्यादा लगते हैं तो मुझे कोई भी मैं केमिकल पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन सबसे पहले कर लेता हूं, ताकि मैं ज़्यादा प्लांट को ख़राब नहीं होने देता। तो मैंने रोगर पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन किया, दो बार किया, तीन बार किया, लेकिन फिर भी मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला, क्योंकि मेलीबग्स वहाँ के वहाँ ही चिपके रहते थे और जाने का नाम ही नहीं देते थे। तो रोगर तो तब वहाँ फेल हो गया था मेरा। बाद में मैंने नीम पेस्टिसाइड के एप्लीकेशन किया, मुझे लगा कि अब जब रोगर मेरा काम नहीं कर रहा है तो मुझे नीम पेस्टिसाइड के एप्लीकेशन करना है। बाद में मैंने गार्लिक का जो पेस्टिसाइड बनाया है उसके ऊपर एक वीडियो मौजूद है, तो वो पेस्टिसाइड भी मैंने अप्लाई किया, उसमें मुझे रिज़ल्ट मिला, लेकिन मुझे चाहिए उतना रिज़ल्ट नहीं मिला, यानी कि पेस्ट कम हो रहे थे, लेकिन फिर भी उसकी क्वांटिटी जो पेस्ट की थी वो बहुत ही जल्दी वो पेस्टिसाइड से कंट्रोल में नहीं आएगी। तो यानी कि समझ लीजिए 100% में से 10% या तो 20% जितने मेलीबग्स भाग रहे थे, और उसकी जो भागने की क्वांटिटी थी वो बहुत ही स्लो थी, जो प्रोसेस था वो बहुत ही स्लो था, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि अगर मैंने समय से प्लांट को अच्छी कंडीशन में नहीं लाया तो बाद में मेरे प्लांट और ज़्यादा ड्राई हो सकते थे, फ्लावरिंग बर्ड्स ठीक से नहीं प्रोड्यूस कर सकते थे, और येलो लीव्स फटाफट वो प्रोड्यूस कर रहा था। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं एक दूसरा पेस्टिसाइड लाया, मैं पेस्टिसाइड की शॉप पे गया, मैंने उनको डिस्क्राइब किया कि स्पेशली मेलीबग्स के लिए मुझे पेस्टिसाइड चाहिए, जिस क्योंकि जो मेलीबग्स है वो मेरे प्लांट की क्वांटिटी, मेरे प्लांट के ऊपर अच्छी खासी क्वांटिटी में मौजूद है। तो उन्होंने मुझे एक ऐसा पेस्टिसाइड दिया, और वो पेस्टिसाइड मैंने हफ्ते में दो बार स्प्रे किया मेरे ये हाइबिस्कस के पौधे के ऊपर, और उसके बाद जो मुझे रिज़ल्ट मिला वो रिज़ल्ट मुझे सही में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है। और इसीलिए मैं आज ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपके प्लांट के ऊपर बहुत सारे मेलीबग्स लगे हुए हो तो आप ये इंसेक्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा इंसेक्टिसाइड मैं लाया हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये वो इंसेक्टिसाइड है जिसने मेरे हाइबिस्कस की पूरी काया पलट कर ली, यानी कि बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस मुझे मिल गए मेरे प्लांट के ऊपर, और मेरा प्लांट फिर से अभी अच्छी खासी कंडीशन में आ रहा है। और उसका सबसे बड़ा सबूत मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो है ये फ्लावरिंग बर्ड। ये देखिए, ये कितना हेल्दी बर्ड निकल रहा है, और जो पहले वाले बर्ड थे वो कैसे हैं, पहले वाले जो बर्ड थे वो पूरे कर्ल हो जाते थे, पूरे अंदर सिकुड़ जाते थे, इसके जो लीव्स थे, जो पुराने लीव्स थे वो भी सारे सिकुड़ जाते थे, और प्लांट ठीक तरीके से ग्रो नहीं हो पाता था। लेकिन अभी जो प्लांट है वो प्लांट ने अपने सारे हेल्दी लीव्स डेवलप करना स्टार्ट कर लिया है, और बर्ड भी उसने एक हेल्दी बर्ड डेवलप किया है। तो मतलब ये सबसे पहले इंडिकेशन तो यही है। दूसरा इंडिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे भी देखिए, ये जो प्लांट है इसके ऊपर भी सारे नए बर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे भी देखिए। तो बहुत ही मुझे अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिल गया है ये पेस्टिसाइड की वजह से। तो थोड़े आगे चलते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यह आवाज़ बहुत ही ज़्यादा आ रही है। तो अब मैं ये पेस्टिसाइड के बारे में आपको बता देता हूँ कि मैं किस हिसाब से मैंने इसको यूज़ किया है और कैसे मैंने यूज़ किया है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये जो पेस्टिसाइड है, ये पेस्टिसाइड का नाम एडमायर है, और एक्चुअली इसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो एमिडाक्लोप्रिड है 70% WG। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी, ये आप नाम नोट कर दे, ये बेयर कंपनी का है। पेस्टिसाइड्स में बेयर कंपनी एक बहुत ही स्टैंडर्ड कंपनी है फ्रेंड्स,
और बेयर कंपनी का ये प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है एडमायर, और ये इसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो एमिडाक्लोप्रिट 70% WG है, और ये एक सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है, यानी कि आपके प्लांट के लीव्स के अंदर जाके वो पेस्ट को मारेगा, यानी कि अगर जितने भी मेलीबग्स आपके प्लांट के लीव्स या तो ब्रांचेस को चूसते रहेंगे तो अल्टीमेटली ये पेस्टिसाइड उनके अंदर चला जाएगा और वो मर जाएंगे और फिर से आपके प्लांट के ऊपर तुरंत नहीं आएंगे। तो इसीलिए जब भी आपके प्लांट के ऊपर जब भी मेलीबग्स का अटैक बहुत ही ज़्यादा हो जाता है तब आपको ये वाला पेस्टिसाइड एप्लीकेशन करना है, जिसकी वजह से आपका प्लांट बहुत ही जल्दी अपने रिकवर कर लेगा और हेल्दी हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा और फास्ट रिजल्ट मुझे मिला है ये पेस्टिसाइड की वजह से। अब ये जो पेस्टिसाइड है फ्रेंड्स, ये पैकेट में आता है छोटे छोटे, एक्चुअली ये जो बड़ा पैकेट है इसके अंदर 8 पैकेट आते हैं 2 ग्राम के कॉन्टेंट में, यानी कि 2 ग्राम क्वान्टिटी आपको मिलेगी एक पैकेट के अंदर। वैसे मैंने सारे पैकेट यूज़ कर दिए हैं, ये देखिए ये जो एक पैकेट है फ्रेंड्स, ये इसके अंदर 2 ग्राम ही इंसेक्टिसाइड आता है और ये 2 ग्राम ही काफ़ी है आपके प्लांट को बचाने के लिए। यानी कि अगर आप ये पूरा पैकेट लेने जाओगे तो 8 पैकेट ऐसे छोटे छोटे 8 पैकेट 2 ग्राम वाले आपको मिलेंगे और एक पैकेट की कीमत पड़ेगी 25 रुपये। अगर आप सेपरेटली रिटेल में एक पैकेट भी लेने जाओगे तो वो भी मिल सकता है, तो अगर आप दुकानदार से एक बार पूछेंगे कि हमें सिर्फ एक ही पैकेट चाहिए तो वो 25 रुपये में एक पैकेट भी दे सकता है। तो दुकानदार ने मुझे ऑफ़र की थी एक पैकेट के लिए, इसलिए मैं आप सभी को यही सजेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपके या दुकानदार पूरा पैकेट लेने के लिए, पूरा बॉक्स लेने के लिए सजेस्ट करे तो आप उसको बोल सकते हैं कि हमें सिर्फ एक ही पैकेट चाहिए। तो आपको बस एक पैकेट मेरे हिसाब से आप मत लीजिए, कम से कम आप 3 से 4 पैकेट लीजिए, क्योंकि एक दो बार के एप्लीकेशन में आपको 30-40% जितना रिजल्ट मिलेगा, दूसरे बार के एप्लीकेशन में आपको और ज़्यादा रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अब मैं इसके यूसेज की बात कर लेता हूँ, इसके डोजेज की बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स, कि कितना डोज हमें इसका यूज़ करना है। तो एक्चुअली ये 2 ग्राम का पैकेट आता है और ये 2 ग्राम एक छोटे छोटे ग्रैन्यूल फॉर्म्स में आता है, एक थोड़े पिंकिश कलर के ग्रैन्यूल फॉर्म्स में आता है। तो आपको इसे 13 लीटर पानी में ये पूरा पैकेट डाल देना है, यानी कि पूरा एक पैकेट यानी कि 2 ग्राम का इंसेक्टिसाइड हमें 13 लीटर पानी में डाल देना है। तो उससे ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, 2 ग्राम भी मोर देन इनफ है। एक्चुअली फ्रेंड्स, अगर आपके पास पौधे कम हो, समझ लीजिए मेरे पास तो पौधे इतने सारे ज़्यादा है, तो मैं 13 लीटर पानी में 2 ग्राम का पूरा एक पैकेट डाल के इसको तैयार कर ही लेता हूँ। लेकिन अगर आपके पास पौधे कम हो तो आप 7 लीटर पानी में इसको बना सकते हैं। 7 लीटर पानी में आधा पैकेट यूज़ करिए, यानी कि 1 ग्राम ही यूज़ करिए, बस 1 ग्राम के आसपास अगर आप यूज़ करेंगे और हफ्ते में 2 बार अपने प्लांट के ऊपर ये स्प्रे करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीक से ही आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही अच्छा पेस्टिसाइड है जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और इसके रिजल्ट्स भी मुझे बहुत ही अच्छे मिले हैं। और ये जो पेस्टिसाइड है ये वाइट फ्लाइज के ऊपर भी काम आता है, अगर आपके प्लांट के ऊपर वाइट फ्लाइज लगे हुए हो तो वाइट फ्लाइज को भी ये आराम से मार सकता है, एफिड्स को भी मार सकता है। तो जितने भी आपके प्लांट के ऊपर या तो लीव्स के और ब्रांचेस के ऊपर जो रस चूसने वाले जितने भी कीड़े हो, वो सभी के लिए ये जो पेस्टिसाइड है वो बहुत ही असरकारक है। तो ये पेस्टिसाइड मैंने अप्लाई किया है मेरे हाइबिस्कस के प्लांट के ऊपर और अभी मेरे हाइबिस्कस के प्लांट अभी अच्छी कंडीशन में ग्रो हो रहे हैं, न्यू बर्ड्स भी अभी डेवलप हो रहे हैं। तो अगर आपके पास भी हाइबिस्कस में ये प्रॉब्लम हो रही हो, मेलीबग्स की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा हो रही हो, तो बाद में आप ये इंसेक्टिसाइड ला सकते हैं। अगर नीम ऑयल से, अगर गार्लिक पेस्टिसाइड से, अगर दूसरे कोई भी पेस्टिसाइड से अगर आपके या मेलीबग्स कंट्रोल में नहीं आते हो तो बाद में ये चीज़ आप लाइए, इससे आपके प्लांट के ऊपर ज़रूर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और ये जो पेस्टिसाइड है फ्रेंड्स, आपको मॉर्निंग के टाइम यूज़ करना है, आप नाइट के टाइम यूज़ ना करें। मॉर्निंग के यानी कि 8 बजे या तो 7 बजे अपने हाइबिस्कस के प्लांट के ऊपर अच्छी तरह इसको स्प्रे कर ले, बस रहने दो पूरे दिन के लिए ओपन सनलाइट में। बाद में जितने भी मेलीबग्स होंगे वो सारे भाग जाएंगे और 2-3 एप्लीकेशन के बाद ही आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन है फ्रेंड्स ये पेस्टिसाइड से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।